हेलो बच्चों, वेलकम टू सबका टॉपर। और आज हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 के चैप्टर रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.1 में मिलने जा रहे हैं। और इस एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए पैरेड। The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो इस तरह के क्वेश्चन में हम ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप और जगह हम नहीं देखे हैं, इसका डिस्कशन हुआ है आपके सॉल्यूशन में। तो इसको हम सॉल्यूशन डिस्कस ये करने वाले हैं कि इसमें जो हाईएस्ट नंबर, मैक्सिमम नंबर, यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स की बात होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स है ना। एक ग्रुप है आपका 616 मेंबर्स का और दूसरा ग्रुप जो है सो 32 मेंबर्स का है। तो 32 मेंबर्स के जो बैंड हैं उसके पीछे 616 मेंबर को इस तरह से अरेंज करना है कि जो भी नंबर ऑफ कॉलम्स बने वो दोनों को मैच करता हुआ चले। मतलब 32 मेंबर्स का जो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 32 मेंबर्स को जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसी तरह से वो अगर फॉरवर्ड सबसे आगे बैंड में रहे तो पीछे जो 616 मेंबर्स हैं हमारे, उसको भी आप 32 की तरह अरेंज करके, 32 जो पहला वाला बैच है उसके जस्ट पीछे बना के एक कॉलम की तरह डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, अगर इसमें सॉल्यूशन हम देखें तो सॉल्यूशन में जो पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स की बात होती है। तो अगर हम यहाँ पर 32 मेंबर, सपोज़ करो कि 32 मेंबर को हमने इस तरह से ये एक ब्लॉक बना के इसमें 32 मेंबर्स को अटैच किया, ये 32 मेंबर्स हो गए आपके 32 मेंबर्स। अब उसके पीछे, इसके पीछे अब सपोज़ इसके पीछे आपको फिर क्या करना है कि ये बैंड आगे चलेगा, ये बैंड आगे चलेगा, ओके। और इसके पीछे 616 मेंबर को आपको देखना है, ये 616 मेंबर्स जो हैं उस 616 मेंबर को इस तरह से हमको अरेंज करना है ना, 616 मेंबर्स को, कि ये 32 को भी हम कॉलम वाइज करेंगे। अगर कॉलम करेंगे सपोज़, तो कॉलम करने में क्या होगा, 1, 2, 3 इस तरह कॉलम करने का मतलब क्या हुआ, ये एक पंक्ति रोज़ की तरह आएगा, ये रोज़ बनेगा, इसको हम लोग इसमें हॉरिजॉन्टल में इस तरह से हम उसको कॉलम का नाम देंगे। तो इस तरह से जो बनेगा ये पार्ट इस तरह से बनेगा है ना, 32 मेंबर्स को इस तरह से जाएंगे और एक एक में हम जो मैक्सिमम फैक्टर्स आएंगे हमारे उसके अनुसार हम फैक्टर्स जो बनेंगे वो उतना ग्रुपिंग करके हम इसको अरेंज करके उतना हमारा कॉलम चलेगा आगे। तो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये 32 मेंबर्स अगर हैं तो ये 616 को 32 मेंबर वाले ग्रुप में हम अटैच करके देखने की कोशिश करेंगे, इसको 32 वाले ग्रुप में हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो 32 वाले ग्रुप में अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, इसमें ये होगा कि 32 का टर्म्स लेकर इसमें भी एक लाइन ये 32 आया, सपोज़ ये 32 एक आ गया हमारा, फिर दूसरा 32 इसका आ गया, ये 616 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 616 में 32 एम का हम ग्रुपिंग करेंगे, 32 मेंबर्स का ग्रुपिंग होगा। तो 1, 2, 3 इस तरह से हम जब आप डिवाइड करेंगे, हम जब 616 से हम डिविजन का रूल लेंगे, जो इक्विलिब्रियम डिवीजन लिमा में हमारे साथ चलेगा, तो 32 का ये बना हमारा, इस तरह से देखें कितने 32 आएंगे, इतने 32 आएंगे। और उसके बाद जो सबसे लास्ट बचेगा, जो रिमाइंडर आएगा हमारा, वो रिमाइंडर डिसाइड करेगा कि इसमें कितने जो फैक्टर्स बनेंगे, हम फैक्टर्स जो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का कंसेप्ट यहाँ पर, चूँकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स पूछा जा रहा है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स वही डिसाइड करेगा जो रिमाइंडर हमको बचेगा। तो रिमाइंडर में क्या करेंगे, हम 616 को 32 के पार्ट्स में डिवाइड करना है और रिमाइंडर जो आएगा वो रिमाइंडर हमको, अब इसमें हम लोग इक्विलिब्रियम डिवीजन लेम्मा का थ्योरम लगाएंगे। सबसे फर्स्ट थिंग आप में, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करोगे, आपको इसमें इस तरह से देखना है कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन आर्मी कंटिजेंट कितना है, इसमें लिखने की जो ज़रूरत, पहले आप समझ गए कि 32 के मेंबर्स में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके बाद इस 32 को रीअरेंज करना पड़ेगा हमको। ये 32 जो फ्रंट वाला मार्च, जो बैंड मार्च करेगा, उसके पीछे एक लाइन इस तरह से बनेगी, सपोज दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन, ये लाइन जो फॉर्मेशन होगा ये हमको कॉलम को डिसाइड करेगा कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कॉलम, 1, 2, 3, 4 इस तरह से ये कॉलम बनाएंगे। तो ये सभी जो 32 मेंबर्स के हमारे, इसको बांटने हैं आपको, 32 मेंबर्स में हमारा ये बटेगा। और उसके बाद जो लास्ट होगा वो हम देखेंगे कि उसमें वो 32 को किस तरह से हमको डिवीजन, किस तरह से फैक्टर बनाने की कोशिश करेगा, इस पर हम ऑब्वियस फोकस करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन आर्मी कंटिजेंट,
इसमें हम पहले देखेंगे दैट इज नंबर ऑफ मेंबर्स इन आर्मी कंटिंजेंट इज इक्वल टू कितना है 616, ठीक है, और नंबर ऑफ मेंबर इन आर्मी बैंड इक्वल्स टू 32। मतलब क्या हुआ, 32 का एक पट्टी बन रहा है हमारा, है ना, उस पट्टी को ये बैंड मतलब क्या हुआ, आगे का जो पट्टी है उसके अकॉर्डिंग उसके पीछे हमको इसको अरेंज करना है ना, बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, है ना, 32 मेंबर का जो एक बैंड है उसके पीछे इसको मार्च 616 मेंबर को हमको मार्च कराना है। तो इसमें जब हम लिखेंगे, इसका लिखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, वो किसके बराबर होगा, ये एच सी एफ डिसाइड करता है, दैट इज द, सो दिस इज योर एच सी एफ ऑफ 616 एंड 32। यही कंसेप्ट होता है कि 616 एंड 32 में हम इस तरह से देखेंगे कि उसमें जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा वो एक्चुअली निकलता कैसे है, वो प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट नंबर और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर उससे निकलता है। तो इसमें हम अब एक्चुअली डिवीजन लिम्मा लगाएंगे, तो अगर मार एच सी एफ ऑफ ये लिख दें तो एक्चुअली डिवीजन लिम्मा का क्या होता था, हमारा फार्मूला होता था उसमें कि किस तरह से इसको हम अरेंज करते हैं कि डिवीजर डिविडेंड और डिविडेंड बराबर डिवीजर कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो उसका फार्मूला हम लिखेंगे 616 एंड 32 है, तो एक प्लेट डिवीजन लिम्मा लिखेंगे हम यूक्लिड्स डिवीजन लिम्मा क्या होता है हमारा, डिविडेंड इक्वल टू यूक्लिड्स डिवीजन लिम्मा से क्या होता है, डिविडेंड दैट इज अगर सपोज ए है आपका डिविडेंड इक्वल टू बी अगर डिवीजर है तो क्यू आपका कोशेंट है प्लस आर हो गया, ओके okay? और यहाँ पर R पर क्या कंडीशन होती है, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू B, दिस इज द कंडीशन। तो इसके अकॉर्डिंग हम अब ये डिवाइड करेंगे, 616 को डिवाइड करोगे आप, 616 जो है हमारा डिविडेंड हो जाएगा और ये हो गया 32 डिवीजर और 18 डिवीजर, ये 18 कहाँ से आ रहा है हमारा, 18 इस तरह से आएगा कि हम इसको अरेंज करेंगे 616 यहाँ पर किए और 616 से ये लिए हम 32 टाइम्स, तो उसमें हमको डिवीजन करते हैं तो फर्स्ट टाइम ये 32 हो गया, 32 से लगा फर्स्ट टाइम ये आ गया हमारा, ये माइनस होगा और यहाँ पर आ गया हमारा 2 और 9 ये 6 आ गया हमारा, और 296 से जब लगाए इसको तो हम ये 8 टाइम्स आ गया, ये 8 टाइम्स आएगा 8 2 जा हो गया आपको 19 टाइम्स लग रहा है ना, 9 2 यहाँ पर 9 तो 8 2 जहाँ 6 ये आ गया हमारा 8 1 टाइम्स लगा तो 32 ये हो गया 2 9 2 9 6, अब 8 से लगाएंगे हम तो 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, और 9 टाइम्स अगर लगाते हैं दिस इज योर 19, अगर 9 टाइम्स लगाते हैं तो ये आ जाता है हमारा 3 2 2 9 जा 18 और 9 3 जा 27 और 128, दिस इज योर 228, ओके। तो यहाँ पर 228 से अगर हम कर लिए तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया हमारा 0 और 8। अब जब रिमाइंडर आता है 0 8 तो क्या करते हैं हम लोग, इसका नेक्स्ट स्टेप में ये जो डिवीजर होता है वो डिवीजर हमारा क्या होता है, डिविडेंड के रूप में ले लेते हैं उसको, वो हमारा डिविडेंड में आ जाता है लाइक दिस। तो ये अगर 32 आ गया तो 4 टाइम्स ही लग गया हमारा 32, ये कट गया हमारा, तो रिमाइंडर हमारा आ गया 8। अगर रिमाइंडर 8 आ गया तो ये 32 यहाँ पर 19 टाइम्स लग गया आपको, 32 into 19 ये हो गया और प्लस 8 आ गया 8, तो उसके बाद क्या हुआ, ये 8 जब उसके बाद 32 हमारा डिविडेंड के रूप में आएगा, ये 32 इज इक्वल टू क्या होगा 8 into 4 plus 0। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हुआ कि ये एक 32 जो हमारा 32 into 9 plus 8, तो इक्वली डिविजन लिमा से हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि एच सी एफ जो आ गया, सो एच सी एफ इज योर HCF is equal to 8, है ना,
हेंस दे विल मार्च इन 8 कॉलम्स. अब यहाँ पर 8 कॉलम्स की बात हो गई, इसका मतलब ये है कि ये जो फर्दर इसका प्रॉब्लम का हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ये जो प्रॉब्लम को नेक्स्ट सॉल्यूशन पार्ट हो गया, इसका सॉल्यूशन पार्ट में ये हो गया कि जो भी 32 आया हमारा, ये जो 32 था हमारा, इसको हमने क्या किया, हाईएस्ट अगर 8 HCF 8 आ गया, इसका मतलब कि जो 32 का अरेंजमेंट हमने देखा, 32 जो लिए हमने, क्योंकि 32 के पीछे चलना हमको, तो वहाँ पर 4 × 8 कॉलम्स है ना, यहाँ पर 4 × 8 जो है हमारा, जो रिमेनिंग सबसे लास्ट टर्म जो 32 करने के बाद यहाँ पर 8 टर्म्स हमारे पास सामने आ गई है, 8 टर्म्स आ गया हमारा, 8 आ गए. तो 8 को हम इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 कॉलम्स में सजेगा. और अगर ये 8 कॉलम्स में सजेंगे तो इसमें नंबर्स कितने हो जाएंगे हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ आप 8 कर दो, इधर लगा दो 8 लाइक दिस. अब ये 8 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 में ये जो फैक्टर बना हमारा, दैट इज़ 4 × 8, यानी 4 × 8 ये 32 को कवर कर रहा है, 4 × 8. तो यहाँ पर इसमें भी 4 गए, इसमें भी 4 आए, इसमें भी 4 आए, इसमें भी 4 आए, इसमें भी 4 आए, इसमें भी 4, 4, 4, इस तरह से ये एक पट्टी हमारा बनेगा, जो 4, 4 का ये ग्रुपिंग होगा हमारा, है ना, और ये पट्टी हमारा इस तरह से चलेगा. तो 8 कॉलम्स हमारा आंसर आ जाएगा, इसका HCF जो होगा वो इसका आंसर होगा, दैट्स द रिजल्ट. सब्सक्राइब कीजिए सबका टॉपर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए अपलोडेड वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए.